नमस्कार दोस्तों, HSSC CET मेंस का एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। अब उसका जो एग्ज़ाम है, डिटेल रिजल्ट आने के बाद डिटेल रिजल्ट जो है वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। उसमें सभी तरह की जानकारी, जैसे सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में उसको नंबर कितने मिले हैं या नहीं मिले हैं, उसकी पूरी जानकारी वहाँ पर दी जाएगी। रोल नंबर की जानकारी दी जाएगी, टोटल नंबर उसके कितने आए हैं उसकी जानकारी दी जाएगी, और पूरा रिजल्ट जो है अभी तक फिलहाल जो है आप अपनी आईडी में देख पा रहे थे, अब आपको पर्सनली जो सभी की एक पीडीएफ बना के दी जाएगी वेबसाइट पर। जल्दी उसको अपलोड कर दिया जाएगा 1 या 2 दिन के अंदर अंदर, और पब्लिक डोमेन पर आने के बाद सभी उसको एक दूसरे के रिजल्ट को भी चेक कर पाएंगे। उसके रिजल्ट आने के बाद 15-16 जुलाई के बाद कभी भी आपके एग्जाम की डेट जो है घोषित की जा सकती है। सभी अपडेट के लिए दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा है, उसमें मैं सभी जानकारी शेयर करता रहता हूँ। न्यूज से रिलेटेड है, आपके जो है डेली आपके जो नई वैकेंसियां निकलती हैं उसकी पूरी जानकारी शेयर की जाती है, तो उसके लिए जरूर अपडेट के लिए ग्रुप ज्वाइन जरूर करिएगा दोस्तों। और फिलहाल मैं आपको एक जानकारी दे दूं दोस्तों, जो ग्रुप डी का फॉर्म है हरियाणा में 13,500 समथिंग वैकेंसियां निकली हुई हैं, उसमें 10वीं पास जो भी साथी हैं सभी अपने फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 42 साल की उम्र है, ग्रुप डी के लिए फार्म है। 10 दिन की इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। अब इसकी जो डेट है 6 जुलाई है, 6 जुलाई तक आप अपना फार्म भरवा सकते हैं। जिसने पहले सी और डी ग्रुप का फार्म इकट्ठा भर दिया था तो उनको फार्म भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसका फार्म गलत हो चुका था उसको अपडेट करना चाहता है, वो अपने फार्म को अपडेट कर सकता है। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो कॉमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों अभी फिलहाल क्या है, जो डिटेल रिजल्ट आपका आएगा वो किस तरीके से हो सकता है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक डिटेल रिजल्ट की जानकारी आपको शेयर करना चाहता हूँ। ये जो डिटेल रिजल्ट है पंजाब का है, इसमें जेलदार की पोस्ट है, इरिगेशन बुकिंग क्लर्क की वैकेंसी है और पटवारी की वैकेंसी है। इसके डिटेल रिजल्ट किस तरीके से दिया गया है, लगभग इसी तरीके से अपना हरियाणा का HSSC CET का जो है डिटेल रिजल्ट जारी किया जाने वाला है। ये अगले 1-2 दिन के अंदर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, ज़्यादा समय इसमें नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों डिटेल रिजल्ट में क्या क्या जानकारी होती है, सबसे पहले तो है आपका रोल नंबर की जानकारी आपको शेयर की जाती है, एप्लीकेशन नंबर आपका क्या है, फॉर्म भरते समय जो एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है उसकी जानकारी शेयर की जाती है। ये दोस्तों एक डमी डिटेल रिजल्ट है जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, लगभग इसी तरीके से आपका जो है रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा, एप्लीकेंट का नाम, उसके फादर का नाम, वो मेल है फीमेल है उसकी जानकारी इसमें शेयर की जाएगी, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके मार्क्स कितने आए हैं, सबसे ज़रूरी है उसके कितने मार्क्स आए हैं, और उसके बाद जो है कैटेगरी वाइज उसकी कितनी टोटली बनते हैं, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर उसको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मिले हैं तो किस कारण मिले हैं, तो यहाँ पर जानकारी उसकी शेयर की जाती है, और बाद में वो एलिजिबल है या इनएलिजिबल है यहाँ पर उसकी जानकारी भी शेयर की जाती है। तो इस तरीके से जो है लगभग दोस्तों आपका डिटेल रिजल्ट जारी किया जाता है। अब जो डिटेल रिजल्ट आएगा एक दूसरे का रिजल्ट सभी चेक कर पाएंगे। पहले क्या था, जो जिसका भी रिजल्ट हो वो कैंडिडेट अपना आईडी में लॉगिन करके ही अपना रिजल्ट चेक कर सकता था, अब रेगुलरली जो है सभी के लिए इसको अपडेट किया जाएगा, सभी का रिजल्ट पीडीएफ में शो करके दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों सभी अपडेट के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसमें सभी तरह के अपडेट आपको मिलते रहते हैं। साइबर कैफे से जुड़े सभी अपडेट के लिए ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद।